हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्कूल स्पोर्ट कैटेगरी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें, इम्पोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फी, एलिजिबिलिटी, ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं तो आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन करना और उसमें टाइप करना है jmicoe.in। जैसे आप ये टाइप करोगे उसके बाद एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने जो है इस तरह की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। सिंपली आपको नीचे आना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर जामिया स्कूल एडमिशन अंडर स्पोर्ट कैटेगरी 2022-2023। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने लिंक पे क्लिक किया आपके सामने इस तरह की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। फॉर्म फिल करने से पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दी। फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास ये सब चीज़ होनी चाहिए। ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन फोटो एंड स्कैन सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दे दिए, अगर आपको किसी तरह की क्यूरी है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम नोटिस फॉर जामिया एडमिशन अंडर स्पोर्ट कैटेगरी 2022-2023 सबसे पहले हम एक बार नोटिस चेक कर लेते हैं। जैसे आपने नोटिस पे क्लिक किया आपके सामने नोटिस जो है ओपन हो गया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन नोटिस फॉर जामिया स्कूल एडमिशन अंडर स्पोर्ट कैटेगरी 2022-2023। जामिया मिल्लिया इस्लामिया इनवाइट एप्लीकेशन फॉर जामिया स्कूल एडमिशन अंडर स्पोर्ट कैटेगरी सेक्शन 22-23 लास्ट 3 ईयर का सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। इंटरेस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट मे बी अप्लाई ऑनलाइन जेएमआई एग्जामिनेशन वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 16 मई 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट जो है 15 जून 2022 लास्ट डेट है। यहाँ पे क्लास मेंशन कर दिए, क्लास 9 क्लास 11 के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आर्ट, कॉमर्स, साइंस यहाँ पे साइट भी मेंशन कर दिए। यहाँ पे स्कूल मेंशन कर दिए, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे गेमिंग मेंशन कर दिए, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केट, ये गेम जो है आपको आने चाहिए और इस गेम का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिटेल में जानने के लिए आपको प्रोस्पेक्टस जाके चेक कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया आपके सामने इस तरह की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे मिडिल नेम फिल करना है, यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना है। अगर आपके पास मिडिल नेम है तो फिल करिए, नहीं तो आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो आपको मंथ सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है, जो आपका ईयर है यहाँ से अपना ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपने जेंडर सिलेक्ट करना है, अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करिए, अगर आप फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम फिल करना है, जो आपका फादर नेम है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको मदर नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो है फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रेडिट पासवर्ड बनाना है, यहाँ पे पासवर्ड जो है कन्फर्म करना है। पासवर्ड की लेंथ जो है 8 to 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। किस तरीके का आपको पासवर्ड बनाना वो भी हम दिखा देते हैं आपको। इस तरीके का आप पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड जो है कन्फर्म कर दीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कैप्चर फिल कर दीजिए। इसके बाद साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। जो आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल की थी यहाँ पर डिटेल जो है फिल होकर आ गई है। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक है तो यहाँ से चेंज पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो गया है और आपके पास एक ईमेल आई होगी। सबसे पहले आपको ईमेल को वेरीफाई करना होगा, हम आपको ईमेल भी दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल ओपन करनी होगी।
और इस तरह की आपके पास एक ईमेल आई होगी। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप ईमेल ओपन करोगे, आपके सामने इस तरीके की ईमेल आई होगी और आपकी ईमेल पे ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज आती है। और जैसे आप नीचे करोगे, आप क्लिक हेयर फॉर वेरीफाई एक्टिवेट इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपकी ईमेल जो है वेरीफाई हो जाएगी और डायरेक्ट लॉगिन पे ले जाएगी। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, जैसे आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाती है, आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल फिल करनी है, यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कोर्स टाइप सिलेक्ट करना है। आपको क्लास 9-11 आर्ट कॉमर्स साइंस इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स नेम सिलेक्ट करना, आपको किस कोर्स में फॉर्म फिल करना है, क्लास 9th में या फिर 11 आर्ट में या फिर 11 साइंस में या फिर 11 कॉमर्स में, यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। आई हैव रीड यू कन्फर्म पे क्लिक करना है। एट द कोर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 5 स्टेप में फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल फिल करनी है, उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इसके बाद आपको एकेडमी डिटेल फिल करनी है, उसके बाद स्पोर्ट अचीवमेंट आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करना है। चॉइस ऑफ द स्कूल, यहाँ से अपने स्कूल जो है सिलेक्ट करना, आप किस स्कूल में फॉर्म फिल करने है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अगर गर्ल्स है तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फॉर्म फिल करिए, अगर बॉय है तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फॉर्म फिल करिए। आप जिस स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल फिल की थी, यहाँ वो डिटेल फिल होकर आ गई। सिंपली आपको नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पे अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको लोकल गार्डन नेम फिल करना है, जो आपके घर के मुखिया यानी सदस्य है उसका यहाँ पे नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको गेम अप्लाइड फॉर फिल करना है, जो गेम आपको आता है वो यहाँ से आपको फिल करना है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना। आधार नंबर कोई कंपलसरी नहीं है, आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे बिल्डिंग एंड हाउस नंबर फिल करना है, इसके बाद लैंडमार्क फिल करना है, इसके बाद टाउन एंड विलेज यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस फिल करना है, जहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आपको फादर गार्डन्स मोबाइल नंबर जो है फिल करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे करस्पोंडिंग एड्रेस फिल करना है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप कोई इसी तरीके से अपना एड्रेस फिल कर लीजिए। जैसे हमारे दोनों एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पे हमने क्लिक कर दिया। सिंपली आपको नीचे आना है, सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने पर होती है। इस पर हमने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर के साइज कैसे कम करें, डायमेंशन कैसे कम करें। फोटो का जो डायमेंशन है 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। साइज जो है लेस देन 100 KB होना चाहिए। सिंपली आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप चॉइस फाइल पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे फोल्डर ओपन हो जाएंगे, जहां पे भी आपने फोटो सेव कर रखा है उस पे क्लिक करिए। उसके बाद ओपन पे क्लिक कर दीजिए, अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। आपका फोटो जो है अपलोड हो गया है। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करने है, चॉइस फाइल पे क्लिक करना है, अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर दीजिए। आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो गए। सिंपली आपको नीचे आना है, सेव प्रोसेस पे क्लिक करना है। स्टेप 3 में आपको एकेडमी डिटेल फिल करनी है। हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 10th क्लास की आपको डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी फिल करना है। जो आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपको इसमें अपना बोर्ड नहीं मिलता है तो आपको सिंपली नीचे आना है और अदर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अदर पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड फिल करना है, जो आपका बोर्ड है
ईयर ऑफ द पासिंग ईयर, आपने 10th क्लास कौन से ईयर में पास किए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्कूल नेम एंड कॉलेज नेम, अपने स्कूल अगर आपने 10th क्लास स्कूल से किया तो स्कूल का नेम फिल करिए, अगर आपने कॉलेज से किया तो आप कॉलेज का नेम फिल करिए। उसके बाद डिवीजन ग्रेड फिल करना, अगर आप फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन फिल करिए, अगर सेकंड डिवीजन है तो सेकंड डिवीजन फिल करिए, जो आपकी डिवीजन है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स फिल करने हैं, जो आपके टोटल मार्क्स हैं। यहाँ पे आपको ऑब्टेन मार्क्स फिल करने हैं, जो आपके ऑब्टेन मार्क्स है यानी कितने मार्क्स आए आपके वो फिल करने हैं। जैसे आप एकेडमी डिटेल फिल कर लोगे उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है, सेव प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। आपकी एकेडमी डिटेल भी फिल हो गई है। आपको स्पोर्ट अचीवमेंट डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको नेशनल स्टेट रीजन यूनिवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेड सर्टिफिकेट डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे नेशनल स्टेट रीजन यूनिवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेड यहाँ से आपने क्या उसका यहाँ पे नेम फिल करिए। उसके बाद ईयर ऑफ द रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे आपको मंथ फिल करना है, यहाँ पे आपको ईयर फिल करना है किस ईयर में आपने किया है। अचीवमेंट पोजिशन, यहाँ पे आपको पोजिशन फिल करनी है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया आपके सामने जो है फॉर्म कंप्लीट होकर आ गया है। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है तो आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर क्लास 9 एंड 11 आर एट कॉमर्स साइंस अंडर स्पोर्ट कैटेगरी, जैसे हमने क्लास 11 साइंस साइड में फॉर्म फिल किया है, आप इसमें ऑल डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। सिंपली आपको नीचे आना है, आई कन्फर्म दी अबाउ पे क्लिक करना है और कन्फर्म सबमिट कर देना है। जैसे आप कन्फर्म सबमिट करोगे आपके सामने जो है फॉर्म कम्प्लीट हो गया है। सिंपली आपको नीचे आना है, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे प्रोग्राम नेम किस कोर्स में हमने फॉर्म फिल किया, यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मेथड ऑफ टाइप सेलेक्ट करना है ऑनलाइन, जैसे हम ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको किस चीज से बैलेंस कटाना है, जैसे डेबिट कार्ड से आपको बैलेंस कटाना है तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करना होगा, अगर क्रेडिट कार्ड से बैलेंस कटाना है तो क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करिए, अगर आप SBI नेट बैंकिंग से बैलेंस कटाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए, या फिर अदर नेट बैंकिंग से बैलेंस कटाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना होगा। जैसे हम डेबिट कार्ड से बैलेंस कटाना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे और सिंपली नीचे आ जाना है, प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस टू पे पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह एक पेमेंट की रसीद आ जाएगी, आप इसमें डिटेल चेक कर सकते हैं। सिंपली नीचे आना, आपको पे नाउ सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने पे नाउ एप्लीकेशन सबमिट पे क्लिक किया आपके सामने इस तरह की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको कार्ड नंबर फिल करना है, जो कार्ड पे 16 डिजिट का नंबर होता है वो यहाँ आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड एक्सपायर मंथ फिल करना है, कार्ड एक्सपायर ईयर फिल करना है, यहाँ पे कार्ड के पीछे 3 नंबर का CVV होता है वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नेम फिल करना है, यानी कार्ड पे जो आपका नेम है वो फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट पे क्लिक कर देना है, आपका पेमेंट कट जाएगा और आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा से लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, उसको आपको डाउनलोड करना जरूरी होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में मैसेज भी कर सकते हैं, और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, फ्रेंड को जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्पोर्ट कोटा से फॉर्म फिल करना चाहते हैं। थैंक यू।